एक्शन। Hey, y'all, come look at this. सब में डालो फूट। अच्छा, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। मिलकर करो लूट, बड़ा हरामी हो बेटा। भाई साहब, डाका तो पुराने जमाने में भी पड़ते थे। डाकू डाका डाल के जंगलों में भाग जाते थे, लेकिन अब डाकू डाका डाल के विदेशों में भाग जाते हैं। भाई साहब, न्यू इंडिया यार, सही पकड़े हैं साला। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई साहब, बाबाओं के मठ जाने का अंतिम समय आ चुका है, और बाबाओं के मठ जाते जाते इनको एक बात हम जरूर बोलना चाहते हैं कि चौकीदार ही चोर है। उतरी क्या बोल रहा है? अरे चौकीदार ही चोर है। चौकीदार चोर ए बाबू, चौकीदार चोर है। छे हो, चौकीदार चोर है। बेचारा अकेला आदमी क्या क्या बचाए, यूपी बचाए, यूक्रेन बचाए, कि रूस बचाए, या फिर 18-18 घंटे काम करे, या फिर फंसे हुए छात्रों को बचाए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, आगे स्वाद। भाई मजा आया। भाई साहब, हमें एक बात बताइए, जो छात्र सुरक्षित वापस आ गए अपने घर को, उनका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है, तो हमें एक बात बताइए कि जिनकी मौत हो गई उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब लिखिएगा इसका। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। भाई साहब, सच बताएं ना आप लोगों को कि गोरखपुर में बाबा जी इतना आगे चल रहे हैं, एक बार फिर से, इतना आगे चल रहे हैं कि 10 मार्च आते आते उनको भेजना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुद ही मठ पहुंच जाएंगे। माँ बाप को छोड़ा है। गांव भारी को हंसा धनुआ वाला रोवा धनुआ वाला खत्म गया। हाँ तो भाई साहब, गुल्लू ने सोचा कि पप्पा के सांसद क्षेत्र में जाकर खूब तालियां पिटवाएंगे, और भाई साहब लड़कों ने ऐसा बजाया कि गुल्लू को पिछवाड़ा दिखाकर भागना पड़ गया। गजब बेइज्जती है। हाँ तो भाई साहब, यूक्रेन से वापस लौटे हुए छात्रों ने भारत माता के नारे तो लगा दिए, लेकिन असली देशभक्त के नारे लगाने में झिझक गए भाई साहब। सच बताएं भैया, तो मोदी जी की विफलताओं को छुपाने के लिए जितने पैसे खर्च होते हैं, इतने पैसे में तो यूक्रेन में फंसे हुए छात्र और छात्राएं अपने देश वापस आ जाते। सही पकड़े हैं। लेकिन क्या करें, साहब को डमरू बजाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। अबे काला धन वापस लाने की छोड़ो अंधभक्तों, इस सरकार में अपनी कमाई और अपनी किडनी ही बचा लो, वही बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, देश के भविष्य यूक्रेन में मर रहे हैं, और साहब यूपी में अपनी रिश्तेदारी बताने में ही बिजी हैं। भाई साहब, मलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। ये भी है कि यहीं पर माताओं बहनों की उज्ज्वला योजना की शुरुआत यहीं से हुई थी। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई साहब, ये लॉजिक मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। यूक्रेन अपना देश बचाने के लिए मोदी जी से मदद मांग रहा है, और मोदी जी सरकार बचाने के लिए राम रहीम से मदद मांग रहे हैं।
अबे चल क्या रहा है बे? अब ये देखो भाई साहब, गोदी मीडिया के हिसाब से मोदी जी जीते जी स्वर्ग जाके स्वर्गवासी छात्रों से बात भी करके वापस आ गए। अबे शर्म करो बे, शर्म करो यार। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, आगे स्वाद भाई मजा आया।